दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है वर्क एंड टाइम। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके लिए हैं, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, कह रहे हैं कि ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात, ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। यदि ए अकेले एक काम को 36 दिनों में कर रहा है, बी अकेले किसी काम को 36 दिनों में पूरा कर रहा है, और बी अकेले उस काम को कितने दिनों पूरा करेगा। ए 36 दिनों कर रहा है, बी अकेले उस काम को कितने दिनों पूरा करेगा। तो बी, तो इसके लिए देखिए सबसे पहली बात जो अनुपात दिया है, इसको मानते हैं हम एक्स और इसको मानते हैं वाई, मतलब एक्स अनुपात वाई, मतलब 2:3। ठीक है, अब जो दिनों संख्या दी होती है उसको हम मानते हैं पी। क्या मानते हैं? पी बराबर 36 दिन। ठीक है, हमें जो निकालना है बी अकेले काम को कितने दिनों करेगा। बी का अकेले काम, बी का अकेले काम, इसकी अपने पास एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? ट्रिक है एक्स बटे वाई गुणा पी। ठीक है, एक्स बटे वाई गुणा पी। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये एक्स कितना दिया 2:3 गुणा आपका पी कितना है 36 दे रखा है। तो देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कितना आ गया 2 गुणा 12, यानी 12 दूनी 24 दिन। कितने? 24 दिन। अब आप देखेंगे बी का अकेले का काम, बी का अकेले का काम 24 दिन। ठीक है, आप स्लाइड को लिखें या ना लिखें, यहीं पे आप देखकर पूरा कर सकते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर बी अकेले उस काम को 24 दिन में पूरा करेगा। तो ये आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लिखा है ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 5:8 है। यदि बी अकेले एक काम को 30 दिनों में करता है, तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। बी अकेले 30 दिनों में करता है, तो ए उसको कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम मानते हैं एक्स और इसको वाई मानते हैं। ठीक है, अब ए का देखिए एक्स अनुपात वाई, मतलब एक्स कितना है 5 है, वाई कितना है 8। ठीक है, अब दिनों की संख्या यानी पी, पी बराबर आपके हैं 30 दिन। ठीक, अब वो कह रहे हैं ए के, ए अकेले उस काम को कितने दिनों करेगा। ए का अकेले काम इसकी ट्रिक हमारी क्या होगी, देखिए जब जब ए का काम पूछे तो ए का काम पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई बटे एक्स हो जाएगा और गुणा पी। ठीक है, वाई गुणा वाई बटे एक्स, अगर बी का पूछते तो एक्स बटे वाई हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए वाई कितना दिया है 8/5 × 30, 5 × 30। ठीक है, 5 × 30 तो ये कितना 8 × 6, 8 × 6 = 48 दिन। ठीक है, तो ए का, ए अकेले, ए का अकेले अकेले उस काम को, उस काम को 48 दिन में पूरा करेगा। ये क्वेश्चन हो गया। तो ये आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लिखा है ए बी से 3 गुना अधिक शक्तिशाली है, यदि ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा करे, उस काम बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ए 10 दिन में कर देता है, बी कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात ये लिखा है ए बी से 3 गुना अधिक शक्तिशाली, मतलब ए जो है ए अनुपात बी, बी से बी कुछ होगा, बी एक मान लो, बी से 3 गुना, तो मतलब 3 हो जाएगा।
बी से तीन गुना अधिक शक्तिशाली है। अब वो कह रहे हैं ए किसी काम को 10 दिनों पूरा करता है, तो इसको मान लेंगे पी, मतलब 10 दिन, ठीक है। इसको मानेंगे एक्स, इसको मानेंगे वाई। अब कह रहे हैं वी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, वी उस काम को, बी का काम अकेले, बी बी का अकेले काम, काम। तो हमारी एक ट्रिक लगेगी x बटे वाई गुणा पी। अब देखिए क्या हो जाएगा, x बटे वाई, x आपका 3 वाई 1 है गुणा आपका 10। अब 1 से भाग दें बात हुई रहेगी, तो यानी कुल मिला के 10 दिया 30 दिन। तो कह रहे हैं बी उस काम को 30 दिनों में करेगा, बी उस काम को, बी उस काम को 30 दिन में करेगा। ये आपका आंसर आ गया। तो ये आज का हमारा चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिखा है ए बी से 3 गुना अधिक शक्तिशाली है, यदि बी किसी काम को 27 दिनों में करे तो ए उस काम को कितने दिनों में करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन सबसे पहली बात यहाँ लिखा है ए बी से, ए बी से मतलब बी से, ए बी, ए बी होगा एक, बी से ये 3 गुना, ठीक है, ये कितना 3 गुना। तो इसको मानेंगे हम एक्स, इसको मानेंगे वाई। अब दिन कितने दिए हैं, 27 दिन, पी बराबर 27 दिन। अब ए उस काम को कितने दिनों में करेगा, ए का अकेले काम, तो इसकी हमारे पास एक ट्रिक है, क्या है, वाई बटे एक्स गुणा पी, क्योंकि वाई, अब देखिए वाई कितना है, एक है, और वाई बटे एक्स, एक्स एक्स आपका 3 है, वाई 1 है गुणा 27, 3 एम 27 यानी 1 गुणा 9 बराबर आपके 9 दिन, ठीक है। तो ए अकेले उस काम को 9 दिन में करेगा, ये आपका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर आज का हमारा पांचवा है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिखा है ए की कार्य क्षमता बी से 20% कम है, यदि ए किसी काम को 40 दिनों में समाप्त करे तो बी उसे कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन कर रहा है बी से 20% कम है, यानी ए अनुपात बी, मतलब वो कह रहे हैं बी से, बी की मतलब 20% होगा और बी से 20% कम, इसका मतलब क्या 80, इसका मतलब क्या 80। अब 80, अब इसको 10 से काटेंगे तो 10 अट्ठो 80 और 10 दस अपन 100, यानी कितना आ जाएगा 8 अनुपात 10। इसको x, इसको y मान लेंगे, ठीक है, इसको x y। अब दिनों की संख्या कितनी दे रखी है, दिनों की संख्या दे रखी है आपको 40, ठीक है। देखिए समझिए ये 80 और 100 कहां से आया, वो कह रहे हैं ए की कार्य क्षमता बी से 20% कम है, मतलब बी कितना होगा 100% होगा, और 100 में से 20 जब कम करेंगे तो कितना 80 आ जाएगा, तो 80 इस तरीके से आया, ठीक है। अब बी उसे कितने दिनों में पूरा करेगा, तो बी उसे कितने दिनों में पूरा करेगा, तो बी का काम, बी का अकेले काम, अकेले काम कितना होगा, एक्स बटे वाई गुणा पी, ठीक है। एक्स कितना आपका, एक्स आपका है 8 गुणा पी कितना है 40 और आपका आ जाएगा नीचे 10, वाई कितना है 10, 10 चौ 40 यानी 8 गुणा 4 यानी 8 चौ 32। तो बी अकेले
बी का अकेले काम 32 दिन, 32 दिन में पूरा हुआ। इतना क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये आज का हमारा छठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लिखा है ए की कार्य क्षमता 20 से 40% कम है, यदि बी किसी काम को 42 दिनों में समाप्त करे तो ए उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, तो देखिए मैं बता चुका हूं ए अनुपात बी, तो 20 से 40% कम है यानी 100 होगी, बी की 100 होगी, 100% होगी, और 40% का मतलब जो है 100 में से 40 घटाएंगे कितने आ जाएंगे 60। ठीक है, 60 आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, दशांक 60, 10 दशापन 100 यानी 6:10, इसको एक्स मान लेंगे, इसको मान लेंगे वाई। ठीक है, अब द्विरोह संख्या कितनी थी, पी, पी बराबर 42 दिन। ठीक है, पी बराबर 42 दिन, वो कह रहे हैं ए उसे कितने दिनों करेगा, ए का काम, ए का अकेले, ए का काम, ठीक, ए का काम क्या है, देखिए एक्स, ए का काम क्या है, तो लिखा जाएगा बाई बटे एक्स गुणा पी, क्योंकि बाई देखो क्या दिया है, बाई आपको दे रखा है 10, एक्स 6 और यहां पर 42, 7 6 7 42 कितना 10 × 7 यानी 70, ए उसे 70 दिन में पूरा करेगा, ए उसे 70 दिनों में पूरा करेगा। आंसर आ गया आपका। तो वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें।